एलन मस्क ने जब से ट्विटर की कमान संभाली है तब से जो है आए दिन नए बड़े बड़े चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। कभी किसी को नौकरी पर रख दिया जाता है तो कभी किसी को जो है उसके पद से भी हटा दिया जाता है। और ट्विटर की बात करें तो उस पर भी जो है नए नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं। अब कौन सा नया बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं एलन मस्क, उसकी जानकारी आपको देते हैं। आपको बता दें कि मस्क ने ऐलान किया है कि 15 अप्रैल से जो है फॉर यू रिकमेंडेशन फीचर का फायदा सिर्फ और सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट्स को ही मिलने वाला है। और इसके अलावा ट्विटर पर जो पोल के हिसाब से जो है वोट किया जाता था उस पर भी वही लोग जो है वोट कर पाएंगे जिनका अकाउंट वेरीफाइड होगा। आपको बता दें कि ट्विटर 1 अप्रैल से अपनी लेगेसी वेरिफिकेशन प्रोग्राम को खत्म करना शुरू कर देगा और इसके तहत कंपनी यूजर्स के अकाउंट से ब्लू टिक हटाना शुरू भी कर देगी और इसका सीधा असर जो है यूजर्स के जेब पर पड़ने वाला है। हालांकि फ्री ब्लू टिक वाले यूजर्स पैसे देकर ट्विटर ब्लू की जो है सेवा ले सकते हैं तो उनका ब्लू टिक बना रहेगा, लेकिन लीगली अगर देखा जाए तो लीगली वेरिफाइड का टैग जो है हटने वाला है। आपको बता दें कि एलन मस्क ने 2023 के अंत तक ट्विटर को फाइनेंशियल रूप से मजबूत करने का जो है फैसला लिया है और इसीलिए जो है आए दिन नए से नए फैसले देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन जैसी कुछ सर्विसेज को मॉडिफाई भी किया है और भारत में वेब यूजर्स के लिए इस सर्विस का जो मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान जो बताया जा रहा है वो 650 रुपए का बताया जा रहा है। वहीं अगर अमेरिका की मैं बात करूं तो इसके लिए हर महीने $11 जो है चुकाने भी होंगे। आपको बता दें कि ट्विटर पर जो है गोल्डन टिक के लिए कंपनियों को हर महीने $1,000 यानी कि करीब करीब 82,000 रुपए उन्हें चुकाना होगा। और यही नहीं, अब जो है कंपनियों को अपने ट्विटर अकाउंट से जुड़े दूसरे अकाउंट के लिए भी हर महीने $50 यानी कि करीब 4,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। और ट्विटर ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वेरिफिकेशन प्रोग्राम की घोषणा शुक्रवार को ही कर दी थी और कंपनी के CEO एलन मस्क ने पुष्टि की थी कि वेरिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के एफिलिएटेड किसी भी व्यक्ति का अकाउंट ऑटोमेटिक जो है वेरीफाई हो जाएगा। ट्विटर ने अपना अपडेटेड अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम जो है जनवरी में लॉन्च किया था और तब से वेरीफाइड अकाउंट को 3 कलर कैटेगरी में बांटा गया था। सबसे पहले जो है इन कैटेगरी में कंपनियों को गोल्ड चेक दिया गया था, सरकार को ग्रे चेक दिया गया था और जो आम जनता है यानी कि जो आम नागरिक है उनको ब्लू चेक देना शामिल है। और इसमें जो है पहले ट्विटर ने 9 नवंबर को चेकमार्क बैच के साथ ट्विटर ब्लू लॉन्च भी किया गया था, लेकिन फेक अकाउंट की संख्या बढ़ने के कारण जो है 2 दिन बाद ही सर्विस को जो है होल्ड कर दिया गया था और नए ब्लू साइन अप बंद कर दिए गए थे और अब इसे फिर से शुरू भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि ट्विटर को सब्सक्रिप्शन मोड पर ले जाने की 3 वजह यहां पर बताई जा रही है। सबसे पहले जो है कंपनी को रोजाना 32 करोड़ का नुकसान हो रहा था और वो नए मॉडल से जो है रेवेन्यू अब बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा है और वो जल्द ही इसकी भरपाई भी चाहते हैं और इसीलिए जो है नए से नए जो है बड़े फीचर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ जो रिकवरी वो पैसों की करना चाहते हैं इसी के लिए जो है नए से नए ऐलान अब एलन मस्क करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी वजह यहाँ पर बताई जा रही है वो है कि ट्विटर पर भारी कर्ज है तो इसे खत्म करने के लिए जो है अब इसी चीजों से जो है नए नए अपडेट से जो है उसी की भरपाई हो सकती है और इसीलिए जो है एलन मस्क ने जब से ट्विटर की कमान संभाली है तब से जो है आए दिन नए से नए बड़े फीचर्स ऐड किए जाते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन की बात की जाती है कि अगर जो है वेरीफाइड अकाउंट आप चाहते हो तो उसके लिए आपको मंथली सब्सक्रिप्शन यानी कि 650 की जो है सब्सक्रिप्शन खरीदनी होगी, उसी के बाद जो है आपको ब्लू टिक भी मिल पाएगा। और ऐसी ही जो है अब जो 15 अप्रैल की जो मैंने बात की थी तो 15 अप्रैल से जो है एक फीचर आता था उसके लिए भी अब जो है आपको 15 वेरीफाइड अकाउंट को ही वो फीचर मिलने वाला है। वो फीचर का नाम होता है कि फॉर यू रिकमेंडेशन फीचर और इसका फायदा अब सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट्स को ही मिलने वाला है। तो आए दिन और क्या नए बड़े चेंजेस ट्विटर में देखने को मिलेंगे, नेशन स्पीक्स आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करता रहेगा, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।